गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स फुल नंबर्स, ये आपका चैप्टर चल रहा है। आगे हम स्टार्ट करा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 से। एक्सरसाइज 2.2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपके फिल द ब्लैंक्स बाय सुटेबल प्रॉपर्टी ऑफ फुल नंबर्स। अब सपोज करो ये आपका मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई 7 17 इक्वल्स टू 17 25। सेम नंबर हमारा किस टाइप से आएगा अगर इसको हम रीअरेंज कर दें। 17 इधर है, 25 इधर है, तो 25 इधर, 17 इधर। अगर इसका ऑर्डर चेंज कर दें तो वी कैन सॉल्व दिस 25। ओके, थोड़ा सा दिमाग लगा के आप कर सकते हो इसको, ठीक है। नेक्स्ट है 15 प्लस 0, 15 प्लस 0 ऐड करेंगे क्या आएगा आंसर, 15 ही आएगा। ओके, नेक्स्ट है 36 इंटू 1, 36 इंटू 1 मल्टीप्लाई करेंगे क्या आंसर आएगा, 36 ही आएगा। नेक्स्ट है डिविजिबल बाय is not defined। जिस नंबर जिसको किसी भी नंबर को उस नंबर से डिवाइड करने के बाद में नॉट डिफाइन है वो नंबर है आपका 0। 0 कैसे बता देते हैं, एक एग्जांपल से यहां पे समझ लो। सपोज करो 32 डिवाइडेड बाय 16 आंसर इक्वल टू 2। ओके, नाउ 32 डिवाइडेड बाय 8 आंसर इक्वल टू 4। नेक्स्ट 32 डिवाइडेड बाय 4, ओके आंसर यू गेट 8। हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं जब हमारा डिनोमिनेटर ज्यादा था तो आंसर हमारा कम आ रहा था। डिनोमिनेटर जैसे हमने कम करा वैसे हमारा सॉल्यूशन क्या हुआ, आंसर क्या हुआ, ज्यादा हो गया। उसके बाद और कम करा और ज्यादा हो गया, ऐसे इंक्रीज होता है। तो अगर हम 32 के नीचे 0 रख देंगे हमारा आंसर इतना बड़ा है जिसको हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट नहीं कर सकते। ओके, अगर आप कैलकुलेटर में करने की कोशिश करो तो आपको क्या आएगा, या तो ये दिखा देगा या फिर नॉट डिफाइन का साइन, नॉट डिफाइन का साइन इस टाइप से होता है। ओके, तो आप वहां से चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू बाय सुटेबल अरेंजमेंट। इस वैल्यू को हमें सुटेबल अरेंजमेंट से सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे समझ लो, सुटेबल अरेंजमेंट हमें जो सुटेबल दिखाई देता है अपने हिसाब से उसको अरेंज करेंगे, उसके बाद में सॉल्व करेंगे। ये 635, 365, अगर इन दोनों को हम सबसे पहले ऐड करते हैं तो ये कितना होगा, 1.2 हो जाएगा। 1.2 जब इसके साथ ऐड करेंगे तो बिल्कुल ईजी हो जाएगा। ओके, करके देखते हैं। 635 प्लस 365 प्लस 409। ओके, नाउ ऐड दिस टू वैल्यूज 5510, 639110, ओके 369110, 1.0 plus 409. Okay, now we can add very easily 1409. It's your answer. Okay, ये second part आपका है, इसे आप इसे solve करोगे as a homework, आप note कर लेना as a homework में। Next है आपका find the product by suitable arrangement. ओके, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। पहले आप आज केवल इतना कर लेना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इससे रिलेटेड और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ओके, थैंक यू।